किस हदीस में आ रहा है कि जब लोग मनफी रवैये अख्तियार करें, कोई तावील करके आगे चले जाओ, जवाब के चक्कर में मत पड़ो। तबाही फेर दी इसने, जवाब दर जवाब, जवाब दर जवाब, क्या मिलता है? थोड़ी सी जिंदगी है और उसको इन ऐसी गलत चीज़ों में, मनफी चीज़ों में लगा के चले गए, तो क्या क्या लेकर गए अल्लाह की बारगाह? ये बहुत बड़ा जिंदगी का कायदा आपको दिया गया है, मुझे दिया गया है, सबको दिया गया है कि मनफी बातें जब नबियों ने सुनी हैं तो हम कौन? वला क्या है, वला तुबलगुन्ना फी अम्वालिकुम व अन्फुसिकुम, ये तो हो गया आसमान से। वला तस्मउन्ना मिन अल्लदीन ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम वल्लदीन अशरकू अज़न कसीरा, अहले किताब और मुशरिकीन से सुननी पड़ेगी गालम गलोच। अब अहले किताब भी कोई नहीं और अशरकू भी कोई नहीं, अब अपने ये बात हो, वला तस्मउन्ना है ताकीद के साथ, तब क्या बैठ कर करो? आगे पढ़ो, इन तस्बिरु व तत्तकु फइन्न ज़ालिक मिन अज़्मि अल-उमूर। मैं तुमसे इसलिए पढ़वाया कि करना क्या है, अब लोग बताएंगे फलां फिर के वाला करेगा, फलां फिर के वाला करेगा, फलां करेगा, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, कुछ, अब क्या करना है? सब्र और तक्वा, इन तस्बिरु व तत्तकु। जिंदगी पानी के बगैर ख़त्म हो जाती, हर जानदार में पानी ऐसा जुज्व है, निकाल दो तो मौत वाकई हो जाएगी, फौरन मौत वाकई हो जाएगी। इस्लाम में सब्र पानी की तरह है, सब्र निकाल दो इस्लाम मर जाएगा। इस्लाम वो सिफत है जिसको कुरान में ढूंढोगे ना, हर सिफत के साथ सब्र आ रहा है, हर सिफत के सब्र आमनु अमल सालिहात व तवासव बिल व तवासव बिस्सब्र युजोन उलाएगा युजोन गुरफत बेमा सबर व जजा हूँ बेमा सबर जल्ला मिन हम अहमत यहदून बे अमन लम्बा सबर। और अल्लाह अपने नबी से फरमाए, वल कन्ना अलम अन्ना का यदीक व सदर का बेमा यकूलू, अब क्या करना है? फसबिह बिहम्द रब्बिक व कुन मिन अस्साजदीन व अबुद रब्बिक हत्ता यातियक अल यकीन। तो बच्चों जवाब देने में ना उलझना वरना टाइम ज़ाया होगा, यही मुज़म्मम कहकर गुजर जाना, अपनी बात सुनाते रहना। अगर मज़ीद आप इस तरह के बयान सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल द वे ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइब करें। जज़ाकअल्लाह।